बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा कोशिका की संरचना में कोशिका भित्ति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना। इसमें आज हम सेल वाल यानी कोशिका भित्ति के बारे में देखेंगे, लेकिन यदि आप सेल का पार्ट 1-2 नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल वाल, जिसे कोशिका भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। प्लांट्स फंगी के सेल्स में सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के बाहर एक दृढ़ आवरण पाया जाता है, जिसे हम सेल वाल या कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल वाल निर्जीव होती है एवं सेलुलोज की बनी होती है। यह प्लांट सेल यानी पादप कोशिका को सुरक्षा एवं यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह प्लांट सेल को सूखने से भी बचाती है। सेल वाल प्लांट सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। सेल वाल में मुख्य रूप से तीन लेयर्स यानी तीन परतें पाई जाती है, जिनमें पहला मिडिल लैमेला यानी मध्य लैमेला होता है। यह सेल डिवीजन के बाद दो नए सेल्स के बीच की लेयर है। यह लेयर मुख्यतः पैक्टिन की बनी होती है। दूसरा लेयर है प्राइमरी सेल वॉल यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति। मिडिल लैमेला के बाद आने वाले लेयर यानी परत को प्राइमरी सेल वॉल यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। यह पतली लचीली कोमल तथा जीवित लेयर है। इसके निर्माण में मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, लिपिड्स एवं जल भाग लेते हैं। तीसरा वाल है सेकेंडरी सेल वाल यानी द्वितीय कोशिका भित्ति। प्राइमरी सेल वाल यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद आने वाले लेयर को सेकेंडरी सेल वाल कहते हैं। यह मोटी एवं मजबूत लेयर होती है। यह लेयर मुख्य रूप से सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा इस लेयर के निर्माण में सुबेरीन, लिंगिन, क्यूटीन भी भाग लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वाल यानी कोशिका भित्ति के कार्य। तो सेल वाल प्लांट सेल को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। सेल वाल प्लांट सेल को मजबूती एवं यांत्रिक प्रबलता प्रदान करती है। सेल वाल के द्वारा ही पदार्थों का स्थानांतरण होता है। सेल वाल सेल के एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करती है। सेल वाल वातावरण के बीच ऑस्मोटिक बैलेंस यानी पारसरणीय संतुलन बनाए रखने का काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए